आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान का जो फर्स्ट पेपर है, राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार, उसके लिए आज हम मोस्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, यानी जो एग्जाम में आपके लिए पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 50 के करीब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक बार आपके लिए यानी पूरे पाठ है वो रिवाइज हो जाएंगे, यानी इसके दो भाग यदि हम पढ़ लेंगे, ये फर्स्ट भाग है और सेकंड भाग, दो भाग पढ़ लेंगे तो आपके इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, यानी 20 अंकों के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 + 20 40 अंकों के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो लगभग आपके कवर हो जाएंगे। तो मैं देखता हूं कि यानी जैसे कैसे प्रश्न आएंगे और किस प्रकार जो है इम्पोर्टेंट बनते हैं। वैसे पार्ट पढ़ाए हुए हैं, मॉडल पेपर भी अपलोड किए हुए हैं, और भी क्वेश्चन बैंक हैं, तो आप उनको भी देखते रहें ताकि आपकी पूरी तैयारी हो जाए। पहला प्रश्न है कि पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति बताइए। अगर प्रश्न आ जाता है तो लिखना है कि पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से हुई है। किससे हुई है? पॉलिस से, जिसका अर्थ होता है नगर अथवा राज्य, जिसका अर्थ क्या होता है? नगर अथवा राज्य। प्रश्न आ जाता है कि राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में निरंतर वृद्धि होने के क्या कारण है? राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में वृद्धि होने का क्या कारण था, तो उसमें उसके अध्ययन के दायरे क्यों बढ़ रहे हैं? तो इसका कारण है, एक तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, दूसरी लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना या लोक कल्याणकारी राज्य, तीसरा है वैज्ञानिक विकास के कारण एक विश्व की दिशा में प्रगति। ये तीनों कारण जो है राजनीति विज्ञान के विषय में या अध्ययन क्षेत्र में जो है अत्यधिक वृद्धि करने वाले कारक हैं। राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने और किस पुस्तक में किया था? राजनीति शब्द का प्रयोग, राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने किया था अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में। किसमें किया था? अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में। प्रश्न आ जाता है, फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति शब्द को किन दो वर्गों में बांटा है? फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को दो वर्गों में बांटा है, एक तो सैद्धांतिक राजनीति और एक व्यवहारिक राजनीति। कौन कौन से में? एक तो सैद्धांतिक राजनीति और एक व्यवहारिक राजनीति। और अब यदि हम देखें तो हम भी जैसे राजनीति विज्ञान के दो पेपर पढ़ते हैं, दो पेपरों में एक सैद्धांतिक राजनीति होती है और एक व्यवहारिक राजनीति होती है। पांचवा प्रश्न, विभिन्न विद्वानों ने अध्ययन के विषय के लिए राजनीति नाम उपयुक्त क्यों नहीं दिया है? यानी कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि इनके लिए राजनीति नाम उपयुक्त नहीं है, तो उन्होंने क्या तर्क दिया है? तो तर्क ये देते हैं कि राजनीति शब्द केवल व्यावहारिक राजनीति तक सिमट कर रह गया है, इसमें सैद्धांतिक राजनीति नहीं आती है, इसलिए लोग कहते हैं कि भी राजनीति शब्द का प्रयोग उपयुक्त नहीं है। राजनीति में शास्त्रीय एकरूपता का अभाव है और राजनीति आज के जीवन में अप्रतिष्ठित शब्द बन गया है। तो यानी कहने का अर्थ है कि राजनीति शब्द एक प्रतिष्ठित नहीं रहा है, इस कारण से ये कहते हैं कि राजनीति शब्द वो उपयुक्त नहीं है। प्रश्न आ जाता है कि विभिन्न विद्वानों के अनुसार राजनीतिक दर्शन नाम उपयुक्त क्यों नहीं? राजनीति विज्ञान, राजनीति, राजनीतिक दर्शन, तो राजनीतिक दर्शन नाम उपयुक्त क्यों नहीं है? इसका कारण भी विद्वान ये बताते हैं कि राजनीतिक दर्शन शब्द सैद्धांतिक राजनीति तक सीमित हो गया है। यानी इस राजनीतिक दर्शन में क्या होता है, केवल सैद्धांतिक राजनीति होती है, व्यवहारिक राजनीति नहीं होती है। और राजनीति में केवल सैद्धांतिक राजनीति नहीं होती, व्यवहारिक राजनीति हो जाती है। और दर्शन शब्द है वो अनिश्चितताओं और अवास्तविकताओं का प्रतीक बन गया है, इसका कारण ये भी है। तो इसका कारण ये भी है। और प्रश्न नंबर 7, विभिन्न विद्वानों के अनुसार राजनीति विज्ञान नाम ही क्यों सर्वाधिक उपयुक्त है? विभिन्न विद्वान ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान नाम ही उपयुक्त है, ऐसा क्यों कहते हैं? तो सर्वाधिक उपयुक्त होने का कारण क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त होने का कारण है, यह नाम अध्ययन के क्षेत्र के अनुरूप है, इसमें सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति दोनों आ जाते हैं। दूसरा, यह नाम विश्व की प्रकृति के अनुकूल, इसको एक विज्ञान की संज्ञा देता है। और तीसरा है, यह सम्मानप्रद नाम, इसलिए राजनीति विज्ञान ही इसके लिए नाम उपयुक्त है। प्रश्न 8 आ जाता है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने वाले किन्हीं 4 लेखकों के नाम दीजिए। राजनीति विज्ञान को जो विज्ञान नहीं मानते, उनमें एक तो है वक्ल है, कामते है, मेटलैंड है और बर्क है, ये राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने के कोई 3 तर्क लिखिए, यानी ये विद्वान जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं क्यों नहीं मानते हैं। तो एक तो है इसका कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव है, सर्वमान्य तथ्यों का अभाव है, पर्यवेक्षण और परीक्षण का अभाव है, मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता है, यानी जो है राजनीति में हम उनको नहीं, यानी विज्ञान के रूप में हम उनको नहीं मान सकते, क्योंकि विज्ञान तो सटीक होता है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में 4 तर्क लिखिए,
पहली बात तो यह कि राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध और व्यवस्थित है, यह सर्वमान्य तथ्य है। कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध है। पर्यवेक्षण और परीक्षण संभव है, यानी जैसे उसने कहा ना, पर्यवेक्षण और परीक्षण संभव नहीं है। यानी जैसे मान लो तो जो, यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे मौसम विज्ञान है, मौसम विज्ञान में क्या होता है कि जैसे मान लो मौसम विज्ञान वाले भविष्यवाणी करते हैं तो वो 100% सत्य होती है या नहीं होती, लेकिन फिर भी उसको विज्ञान कहा जाता है। तो हम राजनीति को विज्ञान क्यों नहीं कह सकते? प्रश्न आ जाता है कि अरस्तु को पूर्ण या सर्वोच्च विज्ञान, राजनीति को पूर्ण या सर्वोच्च विज्ञान कहने वाले दार्शनिक कौन थे? राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान कहने वाले थे अरस्तु। 12वां प्रश्न है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का प्रमुख लक्षण क्या है? परंपरागत राजनीति विज्ञान का प्रमुख लक्षण है ऐतिहासिक और विवरणात्मक पद्धति पर बल देना। प्रश्न आ जाता है राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी? और ये परिभाषा दी थी कैटलिन ने। राजनीति विज्ञान क्या है? शक्ति का विज्ञान है, ये कैटलिन ने कहा था। राजनीति विज्ञान विषय के किन्हीं चार आधुनिक लेखकों के नाम लिखिए? चार आधुनिक लेखक, कैटलिन, मैक्स वेबर, लास्वेल, डेविड ईस्टन, ये आधुनिक लेखक हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान में किन बातों का अध्ययन किया जाता है? आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान में कौन सी बातों का अध्ययन किया जाता है? एक तो है मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, शक्ति का अध्ययन किया जाता है, नैतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। जल्दी जल्दी आप इनको याद कर लें ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से तैयार हो जाए। आधुनिक राजनीति विज्ञान की कोई चार प्रमुख प्रवृत्तियां, आधुनिक राजनीति विज्ञान की चार प्रमुख प्रवृत्तियां लिख सकते हैं, चार विशेषताएं भी आ सकती है। तो इसमें है अध्ययन मुक्तता, वैज्ञानिकता, मूल्य विहीनता, आदर्शवादी अध्ययनों की अपेक्षा, यथार्थवादी व्यवहार पर अध्ययन करना, और अंतर अनुशासनात्मकता। ये पांच जो है इसके प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। प्रश्न आ जाता है राजनीति विज्ञान के संबंध में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की प्रतिपादक कौन है? राजनीति विज्ञान के संबंध में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, और वो है जॉर्ज ई जी कैटलिन। कौन है? जॉर्ज ई जी कैटलिन। प्रश्न आ जाता है राजनीति विज्ञान के संबंध में दार्शनिक दृष्टिकोण कौन रखते हैं? और वो करते हैं लियो स्ट्रास। लियो स्ट्रास वो दार्शनिक दृष्टिकोण रखते हैं। और राजनीति विज्ञान के संबंध में नॉर्मन जेकबसन ने किस बात का प्रतिपादन किया है? नॉर्मन जेकबसन है, वो राजनीति विज्ञान में किस संबंध में बात करते हैं? और वो लिखते हैं, जेकबसन लिखते हैं कि राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता की धारणा का प्रतिपादन किया है। जेकबसन ने राजनीति विज्ञान की जो स्वायत्तता है उसकी धारणा का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, जैसे व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की नींव डालने वाले अग्रणी विद्वान कौन थे? व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की नींव डालने वाले, एक तो था ऑर्थर वेटलैंड और चार्ल्स मेरियम, ये दोनों थे। जैसे एक किताब है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये रचना किसकी है? हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये रचना है हेराल्ड लॉसवेल की। किसकी है? हेराल्ड लॉसवेल की। राजनीति शास्त्र के व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? और उसमें अध्ययन करते हैं मानव के राजनीतिक व्यवहार का, अथवा राजनीतिक व्यवहार के प्रभाव और प्रभावी स्वरूप का, जिसको हम मानव के राजनीतिक व्यवहार का नाम दे सकते हैं। व्यवहारवादी उपागम के कोई तीन दोष बताइए। व्यवहारवादी उपागम जो है उसके तीन दोष है। पहला है अध्ययन में राजनीतिक मूल्यों और संस्थाओं के ऐतिहासिक स्वरूप की उपेक्षा। दूसरा है अत्यधिक खर्चीली पद्धति है। तीसरा है संख्यात्मक पद्धति से मानव स्वभाव का मापन संभव नहीं है। प्रश्न आ जाता है व्यवहारवाद या व्यवहारवादी उपागम का उद्देश्य क्या है? और ये रॉबर्ट ए डहल लिखता है कि व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की उपलब्धियों के प्रति असंतोष का परिणाम है। यानी जो परंपरागत राजनीति विज्ञान थी उससे वो संतुष्ट नहीं थे, और इसलिए उन्होंने एक नया उपागम दिया था जिसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। अर्थात राजनीति विज्ञान को अत्यधिक वैज्ञानिक और व्यवहारशील बनाने के लिए उन्होंने ये व्यवहारवादी उपागम बताया या सुझाया। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के क्या आधार और लक्ष्य बताए? डेविड ईस्टन व्यवहारवाद के क्या आधार बताते हैं? डेविड ईस्टन का एक लेख है करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, यानी व्यवहारवाद का वर्तमान अर्थ। उसमें आठ आधार और लक्ष्य बताए उसने, डेविड ईस्टन ने आठ। उसमें पहला है नियमन, दूसरा सत्यापन, तीसरा तकनीकी प्रयोग, चौथा परिमाणीकरण, और पांचवा है मूल्य निर्धारण, और छठा है व्यवस्थापतिकरण, सातवां विशुद्ध विज्ञान, और आठवां है समग्रता। ये हैं।
25वां प्रश्न आ जाता है कि व्यवहारवाद की सबसे प्रमुख कमजोरी क्या रही है। व्यवहारवाद की सबसे प्रमुख कमजोरी रही है मूल्य निरपेक्षता, अर्थात अपने अध्ययन में मूल्यों को उचित महत्व प्रदान नहीं करना, ये इसकी प्रमुख कमजोरी है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन प्रमुख रूप से कब हुआ था, यानी व्यवहारवाद कब अस्तित्व में आया था, और वो आया था युद्धोत्तर काल में, अर्थात 1945 लेकर के 1955 के समय, 1945 से 55 में ये व्यवहारवाद अस्तित्व में आया। उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता कौन है, उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता भी डेविड ईस्टन ही है। कौन है? डेविड ईस्टन है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के क्या कारण थे, भाई व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति क्यों आई? तो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवाद की जो रूढ़िवादिता, जड़ता, दिशाहीनता और मूल्यों से संबंध विच्छेद के कारण हुआ है, अर्थात उनमें मूल्यों के संबंध विच्छेद या जिस मूल्य का अध्ययन होना चाहिए उसका अध्ययन नहीं, और रूढ़िवादिता अर्थात वो रूढ़ियां कहीं पनप गई थी जिसके कारण व्यवहारवाद से तंग आकर के और उन्होंने उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की, अर्थात उसमें सुधार किया। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के कौन से दो लक्षण बताए हैं? डेविड ईस्टन ने एक तो बताया है शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता, दूसरा बताया क्रियात्मकता या कर्म, क्रियात्मकता या कर्म। प्रश्न आ जाता है जैसे मानो राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन कब हुआ? उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन हुआ था 1960 के बाद। कब हुआ था? 1960 के बाद। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की क्या विशेषताएं बताई है? डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की क्या विशेषताएं बताई है? डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 प्रमुख विशेषताएं बताई है। क्या बताइए? एक तो बताइए प्रविधि से पूर्व सार, दूसरा सामाजिक परिवर्तन पर बल, तीसरा समस्याओं पर विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, चौथा है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पांचवां बुद्धिजीवियों की भूमिका, छठा कर्मनिष्ठ विज्ञान और सातवां व्यवसाय का राजनीतिकरण, ये उन्होंने बताया है। प्रश्न आ जाता है कि राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में क्या अंतर है, राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में? तो नीति शास्त्र का संबंध अमूर्त से है जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध मूर्त से, अर्थात मूर्त सरकार से, जिसको हम देख सकते हैं। समाजशास्त्र किस बात का अध्ययन करता है? समाजशास्त्र, समाजशास्त्र संपूर्ण समाज और सामाजिक व्यवस्था का शास्त्र है। यह व्यक्तियों के समूह के रूप में समाज तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है, व्यक्ति के सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है। 34वां प्रश्न है, जैसे शीले ने राजनीति विज्ञान के विषय के बारे में क्या कहा है? शीले ने राजनीति विज्ञान के विषय के बारे में, शीले ने कहा है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, अर्थात इतिहास का अध्ययन यदि हम करना चाहते हैं तो राजनीति का अध्ययन करना अनिवार्य है, और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं है, यानी इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का मूल कहां है? इतिहास में है, और राजनीति विज्ञान के फल कहां से प्राप्त होते हैं? इतिहास से। 35वां प्रश्न है कि राजनीति की अर्थव्यवस्था पर निर्भरता बतलाते हुए कार्ल मार्क्स क्या कहता है? कार्ल मार्क्स राजनीति के बारे में क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निश्चय आर्थिक परिस्थितियां ही करती है, यानी कोई भी युग हो उसका जो संपूर्ण निश्चय है वो आर्थिक परिस्थितियां करती है कि उस युग में आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। ऐसे कौन से विषय है जिनका अध्ययन राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों में किया जाता था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे विषय एक तो पूंजीवाद और समाजवाद, पूंजीवाद और समाजवाद जैसी विचारधाराएं और सार्वजनिक राजस्व है, इनमें इनका अध्ययन जो है वो राजनीति विज्ञान में भी किया जाता है, अर्थशास्त्र में भी किया जाता है। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का क्या आशय? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर अनुशासनात्मक का क्या आशय या क्या परिभाषा है? अंतर अनुशासनात्मक का मतलब है कि सामाजिक जीवन के विविध पक्ष और इन विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले विषय परस्पर अनिवार्य रूप से जुड़े, अंतर अनुशासन का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए सामाजिक जीवन को एक इकाई मानकर ही उचित रूप में अध्ययन किया जा सकता है। सामाजिक जीवन को एक इकाई मानकर उसका अध्ययन करना अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से कहा जाता है। सत्ता की क्या परिभाषा है? सत्ता की परिभाषा बीच के अनुसार देखिए, बीच के अनुसार सत्ता की लिखते हैं कि दूसरों के कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने का जो औचित्यपूर्ण अधिकार है वो सत्ता है। दूसरों के काम को प्रभावित करना या निर्देशित करना करने का जो औचित्यपूर्ण या वेद जो अधिकार है वो सत्ता है। बायस्टेंड के अनुसार सत्ता की क्या परिभाषा है? बायस्टेंड के अनुसार, वैसे ये सत्ता वाला पार्ट पूरा अपलोड किया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। बायस्टेंड के अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है।
प्रश्न आ जाता है कि वैधता या औचित्य पूर्णता की परिभाषा लिखिए। वैधता किसे कहते हैं या औचित्य पूर्णता, औचित्य पूर्णता हो चाहे वैधता हो, दोनों में से कोई भी हो। औचित्य पूर्णता का अर्थ उस सहमति या स्वीकृति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में दी जाती है। यानी औचित्यपूर्ण या वैधता उस प्रकार की एक स्वीकृति या सहमति है जो लोग है राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में देते हैं। औचित्य पूर्णता यानी कहने का अर्थ है कि लोग उसे औचित्य यानी उचित ठहरा देते हैं, लोग उसे वैध ठहरा देते हैं। इसकी तीन विशेषताएं हैं औचित्य पूर्णता की। औचित्य पूर्णता शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण है। दूसरा है किसी व्यवस्था का औचित्य संबंधित लोगों के मूल्यों पर निर्भर करता है। तीसरा औचित्य पूर्णता विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित है। प्रश्न है जैसे राजव्यवस्था के सम्मुख औचित्य पूर्णता का संकट किन स्थितियों द्वारा खड़ा किया जाता है। राजव्यवस्था के सम्मुख औचित्य पूर्णता का संकट किन स्थितियों द्वारा, और ये स्थितियां हैं परिवर्तित परिस्थितियां और नवीन अवस्थाएं, नवीन समूह के राजनीति में प्रवेश से उत्पन्न समस्या, व्यवस्था के प्रति अत्यधिक आशाएं और आकांक्षाएं, और चौथा है प्रभावदायकता का अभाव। ये राजव्यवस्था औचित्य पूर्णता का संकट है। प्रश्न आ जाता है कि औचित्य पूर्णता को प्राप्त करने और स्थिर रखने के चार उपाय बताइए। औचित्य पूर्णता को प्राप्त करने या स्थिर रखने के, तो पहला है इसमें नवीन परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करना, परंपराओं की रक्षा करना, वैधानिक व्यवस्था की रक्षा करना, नेतृत्व के व्यक्तिगत चमत्कारी गुणों के आधार पर रक्षा करना, प्रभावदायकता के आधार पर रक्षा करना। उम्मीद करता हूं कि इस 16 या 17 मिनट में आपने बहुत कुछ सीखा है। लगभग 6 या 7 पार्ट इसमें कवर हो गए हैं और अगले पार्ट जो है वो शीघ्र ही आपके लिए होंगे। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।